हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टूर विद राकेश पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार और राजस्थान की रेड डायमंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध धौलपुर शहर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। धौलपुर जो अपने लाल पत्थरों के कारण राजस्थान की रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और फैक्ट तो यह है कि धौलपुर का लाल पत्थर, जिसे धौलपुर स्टोन भी कहा जाता है, इस पत्थर का इस्तेमाल राष्ट्रपति भवन में भी किया गया है। और यहीं पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा घंटाघर यानी क्लॉक टावर, जिसका नाम है निहाल टावर। और क्या आपको पता है कि राजस्थान राज्य का सबसे लंबा कच्चा बांध अंगोई बांध धौलपुर में पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है, और यह बांध धौलपुर का सबसे बड़ा बांध भी है। दोस्तों, धौलपुर राजस्थान का सबसे कम पशु संपदा वाला जिला और राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी है। आज के इस वीडियो में हम धौलपुर शहर से जुड़े कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं धौलपुर शहर का एक शानदार सफर मेरे यानी आपके दोस्त राकेश प्रजापति के साथ। दोस्तों, धौलपुर राजस्थान राज्य के पूर्व में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने लाल रंग के सैंडस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। धौलपुर राजस्थान का एक ऐसा जिला भी है जो अपने मजबूत इतिहास के साथ साथ अपने कुछ खास पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि 1982 में यह राजस्थान का एक जिला बना था। इससे पहले इसे धवलगिरी और बाद में धौलागिरी के नाम से जाना जाता था। महाभारत के महाकाव्य युद्ध से पहले इस जगह पर यादवों का शासन था। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच धौलपुर चौहानों के शासन में आया और 1194 तक धौलपुर मोहम्मद गोरी नेतृत्व में था। पानीपत की लड़ाई के बाद यह क्षेत्र मुगलों द्वारा जीत लिया गया था। धौलपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने घने जंगलों के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि मुगल शासक धौलपुर से इतना आकर्षित हुआ था कि उसने इस शहर को अपनी राजधानी बनवाने के लिए यहाँ कई महल बनवाए थे, लेकिन बाद में उसने स्थानीय लोगों द्वारा नाराज होने के बाद यह जगह छोड़ दी और फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। धौलपुर पुरानी सभ्यता का साक्षी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ का लाल बलुआ पत्थर पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है और दिल्ली के लाल किले के निर्माण में भी इसी का प्रयोग किया गया था। धौलपुर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, रेड डायमंड सिटी, दक्षिण का द्वारगढ़, राजस्थान में प्रथम सूर्योदय का शहर, कोठी, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, धवलपुरी और धौलागिरी आदि नामों से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 12 लाख के आसपास है और यह 12 के बाद राजस्थान का 28वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी है। वहीं जिले की कुल साक्षरता 70% के आसपास है। धौलपुर में मेवाती भाषा और ब्रज भाषा के मिश्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और यहाँ के व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं RJ11 से। चलिए अब बात करते हैं धौलपुर के उन पर्यटन स्थलों की जहां जाकर आप इस शहर को करीब से जान सकते हैं। फर्स्ट इज निहाल टावर। दोस्तों, धौलपुर शहर में स्थित 8 मंजिला घंटाघर, जिसे निहाल टावर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण 1880 ईस्वी में राजा निहाल सिंह ने प्रारंभ करवाया था और 1910 ईस्वी में महाराजा राम सिंह ने इसे पूर्ण करवाया था। यह भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। इसकी 8वीं मंजिल पर मात्र छतरी है। इस घंटाघर की घड़ी का निर्माण इंग्लैंड की एक कंपनी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इज शेरगढ़ फोर्ट। दोस्तों, जोधपुर के महाराजा मालदेव ने शेरगढ़ का किला मेवाड़ के शासकों से रक्षा हेतु बनवाया था। 1540 ईस्वी में दिल्ली के शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और अपने नाम पर इसका नाम शेरगढ़ रखा। यह किला धौलपुर के दक्षिण में स्थित है तथा इसमें हिंदू देवी देवताओं की और जैन मूर्तियां आकर्षण का केंद्र है। यह जल स्रोतों से संरक्षित शेरगढ़ का किला एक ऐतिहासिक इमारत है। नेक्स्ट इज तालाब शाही। सन 1617 में तालाब शाही के नाम से यह खूबसूरत झील शाहजहां के लिए शिकारगाह के रूप में बनवाई गई थी। धौलपुर से 27 किलोमीटर दूर और बाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह झील राजस्थान की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए आते हैं। नेक्स्ट इज सिटी पैलेस। इसे धौलपुर महल के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन स्थापत्य कला से परिपूर्ण यह महल शाही परिवार का निवास स्थान था। पूरा महल लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और प्राचीन इतिहास और भव्यता को दर्शाता है। दक्षिण पूर्व में चंबल के बीहड़ वन और उत्तर पश्चिम में सुंदर आगरा शहर होने के कारण सिटी पैलेस में आने वाले पर्यटक शाही युग के शहर के साथ साथ प्राकृतिक छटा का भी आनंद लेते हैं। नेक्स्ट इज शाही बावड़ी। शहर में स्थित निहालेश्वर मंदिर के पीछे शाही बावड़ी स्थित है, जो सन 1873 से 1880 के बीच निर्मित की गई थी। यह एक 4 मंजिला इमारत है और पत्थर की नक्काशी और सुंदर कलात्मक स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप धौलपुर जाए तो इस शाही बावड़ी को देखने जरूर जाए। इन सब के अलावा भी धौलपुर में कई पर्यटन स्थल है जिन्हें आप यहाँ आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था राजस्थान का एक खूबसूरत शहर धौलपुर। अगर आप धौलपुर के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट में Part 2 जरूर लिखें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।